हम सब फ्रेंड्स हैं। क्यूरियोसिटी रहती है हम दोनों को इकट्ठा देखने की, लोगों को वेट रहता है कि ओ शिट भी ऑन स्क्रीन देखना पड़ेगा, और ऊपर से डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर इवन द कैमरा मैन। वेलकम टू बॉक्स ऑफिस इंडिया मानसी, हाउ आर यू? आई एम परफेक्टली फाइन, थैंक यू। यू लुक अ लिटिल excited, and how is the feeling? The song has released a day before, it's getting such a massive response. How do you feel about that? Yeah, actually I was very excited because jis tarah se meri aur Aasif ki personality hai wo pehle capture nahi hui thi waise. Yeah, the model Meera saadi avatar aur aisa kuch अभी तक कैप्चर नहीं हो रहा। हमारे जो पहले दो गाने बहुत क्यूट सी इमेज में शूट हुए थे, तो प्रॉपर मुझे इसके बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी कि हमारे लुक्स एंड हमारे इमेज एंड उसके साथ थोड़ा सा जस्टिस होगा। सो काफी एक्साइटेड थी और टीम बहुत अच्छी थी ऑफिस। आई एम ग्लैड everything big kuch bada bada I think after three songs that you guys have done, this song like had to be big, so that's like without saying wo bada hona hai, wo excitement tha sab mein ki we are going to see Himanshi and Aasim again, so that goes without saying. I must say lockdown ka pata nahi tha ki abhi matlab पेशेंट देख के तो ऐसे लग रहा था कि एक साल तक कहीं काम नहीं होगा, तो फिर हमने वो किया, देन ऑल ऑफ सडन फिर दियर सिंग सॉन्ग, तो हम साथ में इंडिविजुअली हम कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो टोटली हमारी चॉइस है। That's good. That's good. That I think that's very nice that you guys are thinking about it. You're not doing anything random. That's very good. Because बहुत ज़्यादा भी कुछ अच्छा नहीं होता है, but I think आपके साथ तो केस नहीं है, because I think the hangover of कल्ले रहना नहीं वाला अभी तक it's not over, and then you have given us a new song and everyone's like oh nice song, and the chemistry that you guys have is amazing. So I think you should keep on doing more and more songs together. Yeah, actually हम इंडिविजुअली हमारी पर्सनालिटी, लाइक आई एम फ्रॉम पंजाब, तो मैं रीजनल आर्टिस्ट हुई थी वहां पे, ऑलरेडी आई वाज वर्किंग और कंपनीज के साथ टाई अप थे, तो मैं यहाँ पे इंडिविजुअली जो गाने थी वो कर रही हूँ, लेकिन एज अ पेयर हम लोगों को पसंद करते हैं लोग, जैसे अभी आसिम के अकेले के भी प्रोजेक्ट अभी आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों का साथ एक और प्रोजेक्ट ऑलरेडी है, तो फिलहाल अभी इसके ऊपर इसको एंजॉय करें और फिर साथ ही फिर दूसरा आ जाए, तो हम आपस में जो एक आसिमानशी टैग है, द ब्रांड है, उसको हम बहुत अच्छे ध्यान से चूज करके प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इंडिविजुअली तो चलो हम लाइक मेरा अलग से काम है, उनका अलग से है, तो क्या, तो आज भी वो शूट पे है, तो इट्स शूटिंग। So talking about shooting, post COVID the new normal जो है वो काफी like a lot of people are scared about it, क्योंकि set पे जाने में कुछ भी हो सकता है, so many things happening around. So are you also skeptical? आपको भी थोड़ा मतलब है कि anxious हो कि नहीं sets पे जाना थोड़ा risky है या कुछ ऐसा कुछ है आपके साथ? लॉकडाउन मैं तो लॉकडाउन के दौरान जैसे टी सीरीज का प्रोजेक्ट मैंने लॉकडाउन में किया, मेरे लिए तो बड़ा चैलेंजिंग था कि अच्छा हमें हैंड सैनिटाइज भी करने थे या शील्ड भी पहननी थी, बिकॉज यहाँ पे इतने पूरे टाइम पहले कोरोना फ्री हो चुका था, तो अभी रिसेंटली पीपल अभी अलाउड नहीं है, तो 30 लोगों के बीच में शूट हो रहा है, तो अच्छा चल रहा है, इतना फील नहीं हो रहा, पता नहीं चल रहा है। सो यू आर लाइक अभी सेट हो गया आप न्यू नॉर्मल के अकॉर्डिंग, यू आर ओके विद इट? हां चलो दिस इज द रियलिटी एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट। हां बहुत सारे जो एक्स्ट्रा पर्संस जाते थे शूट पे, एक आर्टिस्ट के साथ छह और सारे, तो उसमें डिडक्शन हो गया, सैड बट, क्योंकि काफी लोगों का क्या बोलते हैं रोजगार भी मरा है उस चीज में, तो
Yeah, that's so true. So, talking about yours and Asim's chemistry, it is very much talked about. मतलब social media पे अगर आप Asim या Himanshi type कर दो तो it's like a मतलब पूरा people shower love on you. So जब आप again you're coming with back to back songs, does that create some kind of pressure कि okay इस गाने में नए गाने में कुछ नया दिखाना पड़ेगा या chemistry वैसी same remain होनी चाहिए जैसे पहले थी तो वो pressure रहता है आप लोग पे? नहीं ऐसा कुछ मतलब ऐसा कुछ नहीं है. इट्स जस्ट बिकॉज हम बैलेंस करके चल रहे हैं. आपने देखा होगा पर्सनल लाइफ में हम क्या कर रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं, क्या बात हो रही है, वो हमने कभी डिस्क्लोज नहीं किया. सो हर वक्त क्यूरियोसिटी रहती है हम दोनों को इकट्ठा देखने की, जो कि हम वो प्रोजेक्ट थ्रू दिखा. समवेयर एक ट्रिकी चीज ही हो गई कि हम इसीलिए इतना सब कुछ है, लोगों को वेट रहता है कि ओ शिट भी ऑन स्क्रीन देखना पड़ेगा और फिर वो लव इट अपनी मूवमेंट दे के हर कोई अपने आप को कनेक्ट कर. सो दैट्स व्हाई हम पर्सनली इतना ज्यादा वो नहीं होते, लेकिन जब हमारा गाना आता है तो हम दोनों को अगर लोग साथ देखना इकट्ठे पसंद करते तो इतना प्रेशर नहीं होता है. जब हम आराम से शूट कर रहे हैं हमें होता है कि हाँ ये सीन बेस्ट हो, क्योंकि ज्यादातर हमें जो सॉन्ग्स ऑफर हो रहे हैं वो सारे लव सॉन्ग्स ही हो रहे हैं तो अभी उसमें हम कुछ कर नहीं सकते. या तो डिफरेंट डिफरेंट जा रहे हैं, मैं उनको छोड़ के जा रही हूँ, तो ऐसा कुछ अभी ऑफर नहीं हुआ है सब लव को. अकॉर्डिंग टू इजी है. तो आपने कहा जो प्रोजेक्ट्स आप लोग सेलेक्ट कर रहे हो एज अ कपल वो बहुत सोच समझ के करते हो, व्हाट वाज द रीजन दैट आपने टी सीरीज की ये सॉन्ग को हाँ बोला? रीजन आप पूछ रहे हो, मतलब ऑब्वियसली हमारे पास इससे पहले मेकर आसम के पास एक सॉन्ग आया था मैं सिंगर का नाम थी, बट हमारे पास ऑप्शन थी फॉर अरिजीत ऑल्सो. तो ऑब्वियसली हम अरिजीत ऑब्वियसली मतलब एक कोई क्यों पता. एंड अक्षर खैरा शूट कर रहे थे, ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. 12-13 साल मोर देन दैट उससे ज्यादा जानते हैं, बहुत काम भी इकट्ठे किया है, कोई कम्फर्ट लेवल भी था और ऑफिस क्वालिटी एज अ डायरेक्टर. और फिर अमाल मले एंड टी सीरीज आसिम सारे ए ए ए एंड हाँ ओवरऑल टीम बहुत अच्छी, पता ही था कि प्रोजेक्ट अच्छा बनेगा, एक स्ट्रेस फ्री हो गई. Yeah. That's great. That's good. That's really good. So, what would you say जब आप एक music song पे work कर रहे हो, when you are on the sets, what would you say is the most difficult part about being on a sets of a music like a song? As such, अभी तो कोई ऐसी problem नहीं हुई because my team is very comfortable. Very comfortable. My team. और ऊपर से director हैं, director even the cameraman. एंड हम सब फ्रेंड्स हैं, इट्स वेरी इजी. मतलब उनसे हम जो भी रखना चाहते हैं कि हम इसमें कंफर्टेबल हैं, इसमें कंफर्टेबल नहीं है, तो वो इजीली. एंड ओवरऑल बड़ा फ्रेंडली माहौल था बिकॉज सब ना यंग है. इवन अगर आप डायरेक्टर भी देखो वो भी हमारी एज के हैं, तो सब एक फ्रेंडली माहौल था सेट पे. बस गर्मी बहुत ज्यादा थी, तो एज अ आर्टिस्ट जब आप हेयर मेकअप के साथ स्वेट कर रहे हो तो उसमें क्या बनाते हो और कुछ नहीं, ओवरऑल सब अच्छा. True, that's good. So Ganpati आ रहा है, what are your plans for Ganpati? Are you bringing Bappa at home or you have any plans? हाँ हमारे हर साल मतलब स्थापित करते हैं एवरी ईयर. पहले पंजाब में नहीं मनाते ये फेस्टिवल, लेकिन पिछले 4-5 साल से इतना ज्यादा क्रेज हो गया इसका, तो हम घर पे लाते हैं 11 दिन कॉलेज में लेके आते हैं, जो सबका इकट्ठे जो सब लेके आते हैं. तो या आई होप उस वक्त फ्री हूँ तो मैं घर जाऊंगी. ओ ग्रेट, आई होप सो टू. आप घर जाओ, आप मुंबई में हो. हाँ जी, I think Bombay में इतना नहीं हो पाएगा इस बार, right? Obviously with COVID, I don't think. एक तरीके से it's good also because pollution नहीं होगा, but then obviously it's a festival, so that's kind of sad. Right. So may I got बहुत interesting सा question है. Big Boss आ रहा है, तो what do you think who should
be a part of this season? Like, who do you think should go for Big Boss? I have no idea. Honestly, उनका चूज करने का, उनका सिलेक्ट करने का प्रोसीजर आपके अकॉर्डिंग आपके टॉप ऑफ द हेड कौन हमको लगता है कि हाँ अमंग्स योर फ्रेंड्स और कास्ट इसको जाना चाहिए एंड शुड हैव द एक्सपीरियंस ऑफ जैस्मिन बसीन आई थिंक शी शुड गो बिकॉज हम आई थिंक आई वाज 17 एंड हम कैंटीन में रहते थे हम तब से फ्रेंड्स हैं तो हमने अपने करियर की शुरुआत इकट्ठे की दिल्ली में द पोर्टफोलियोज एंड एवरीथिंग सो आई थिंक मैं उसको देखना बड़ा पसंद करूंगा नाइस इंटरेस्टिंग ओके सो मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि ऑब्वियसली इट्स अ वेरी क्लीशे क्वेश्चन जो सबने आपसे पूछा ही होगा कि आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हैं एक तो आपने बताया कि आप आसिम के साथ काम कर रहे हो व्हाट आर द अदर प्रोजेक्ट्स दैट यू आर वर्किंग ऑन एक और काफी नोन सिंगर है बॉलीवुड से उनके साथ मेरा और आसिम का सॉन्ग रेडी है तो हमने रिलीज करवाया है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सॉन्ग तो तब तक लोग ये एंजॉय करेंगे तो साथ ही दूसरा आ जाएगा ग्रेट अभी बड़ा अजीब क्वेश्चन लगता है कि फ्यूचर प्रोजेक्ट क्या है आर्टिस्ट थैंक यू टेक केयर गुड बाय